नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो दोस्तों, कोरियोग्राफर गीता कपूर की मां का 12 जनवरी 2021 को निधन हो गया था। गीता की मां का निधन कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अटैक के कारण हुआ था। मां के चले जाने से गीता को बहुत बड़ा झटका लगा था। गीता सदमे में आ गई थी। कोरियोग्राफर धीरे धीरे इस दर्द से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। गीता मां को याद कर अक्सर भावुक हो जाती हैं। हाल ही में गीता ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में बात की और अपने इस दर्द को बयां किया। गीता ने कहा कि मैं अभी ठीक हो रही हूँ, हालांकि वे खालीपन अभी भी मैं महसूस करती हूँ जो कभी नहीं भरने वाला। झूठ कहते हैं लोग कि मजबूत लोग जल्दी हील हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जल्दी हील होने वाली बात नहीं है। मैं साल 2019 से इसके लिए तैयार थी जब मेरी माँ बीमार हुई थी। मैं डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने माँ को साल 2019 के आखिरी के 3 दिन जिंदा रखा, लेकिन भगवान ने उन्हें मेरे पास पूरे साल 1.5 साल के लिए छोड़ दिया। मुझे मेरी पावर में रहते हुए वे सब चीज़ें माँ के साथ करने को मिली जो मैं करना चाहती थी, और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत लकी फील करती हूँ। गीता आगे कहती हैं कि जिस दिन माँ ने अंतिम सांस ली थी, मैं जानती थी कि ये होने वाला है, लेकिन अचानक हो जाएगा इसका मुझे मालूम नहीं था। माँ को कार्डियक अरेस्ट आया, उन्हें सांस आना बंद हो गई थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाई। इस सब से बाहर आने में मुझे समय लगेगा। इसके अलावा गीता ने कहा कि मेरे साथ कई दोस्त खड़े हैं। कई महीनों तक उन्होंने मेरी देखभाल की। कुछ मेरे साथ रहे परिवार, दोस्त और फरा मैम हमेशा मेरे साथ रही। मेरे लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। वे आगे कहती हैं कि यूनिवर्स का हाथ मेरे सिर पर है कि मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मिले हैं। इस मुश्किल की घड़ी में भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं इस चीज़ के लिए उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम लाइव से रिपोर्ट।